पठान में टाइगर के कैमियो को लिखने में छूटे थे मेकर्स के पसीने, बताई फिल्म में ऋतिक का कैमियो न होने के पीछे की वजह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड नजर। सलमान खान की स्पेशल एंट्री पर राइटर अब्बास टायरवाला ने एक इंटरव्यू में सलमान खान के कैमियो को लेकर कहा कि ये शाहरुख खान की फिल्म है, इसीलिए आप उन्हें शाहरुख के नीचे नहीं रख सकते हैं। दर्शकों को कुछ बड़ा देखने के लिए दोनों को स्क्रीन पर बराबर ध्यान देना था। आगे उन्होंने कहा कि वो दोनों देश के बड़े सितारे हैं और दोनों के अपने अपने नजरिए हैं, और वो चाहे कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, जब वो एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो दोनों को पता होता है कि दूसरा व्यक्ति किस लाइन पर बोल रहा है। इसी के साथ स्क्रीन प्ले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पठान में टाइगर के कैमियो वाला ट्रेन सीक्वेंस सीन कई बार लिखा गया था और आदित्य चोपड़ा दोनों को काफी अच्छे से जानते थे। वहीं डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी उनके दोस्त थे, तो उन्होंने भी डायलॉग लिखने में अपने आइडियाज दिए थे, और इसीलिए इतना जरूरी सीन बनाने का लोड सिर्फ मुझ पर ही नहीं था बल्कि टीम के हर सिंगल पर्सन ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। इसके अलावा पठान में स्पाई यूनिवर्स के कबीर यानी कि ऋतिक रोशन के कैमियो न होने पर भी बात करते हुए अब्बास ने कहा कि पठान में ऋतिक का कैमियो होना मुझे अच्छा लगता, काफी प्रीमैच्योर बात है। ऋतिक का कैमियो कभी चर्चा ही नहीं किया गया और न ही ये कहानी का हिस्सा था। लेकिन अब्बास ने टाइगर पठान और कबीर से जुड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर एक हिंट देते हुए कहा कि अभी के लिए आपकी खुशी और एक्साइटमेंट को बचा कर रखते हैं, और उम्मीद है कि अगर भविष्य में यशराज द्वारा स्पाई यूनिवर्स की मूवी बनाई जाती है तो मुझे यकीन है कि हम उन सभी को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर पठान में ऋतिक का कैमियो होता तो फिल्म का मजा दोगुना हो जाता या फिर नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही बॉलीवुड खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा बॉलीवुड नजर।